जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान 40 श्रद्धालुओं से भरी हुई बस खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार भिड़ंत कर दी है, जिसके दौरान 25 श्रद्धालुओं को लेकर बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल इस घटना के दौरान मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया था और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के यूपी मेरठ का है। इसी दौरान गोकुलपुरा निवासी विजेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार रात मेरठ से 40 श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जब बस KMP के पास जीरो पॉइंट पर बढ़ती है तो उसके पास ही टायर पंचर हो जाता है, जिसके दौरान चालक ने बस को एक तरफ रोक दिया है और इसके बाद जैक लगाकर टायर को बदलने लगा था। इसी दौरान करीब 15-20 श्रद्धालु नीचे उतरकर बस के आगे रोशनी में खड़े हो गए थे। इस बीच गाजियाबाद की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने पीछे से ही जोरदार भिड़ंत कर दी है, जिसके दौरान बस के आगे श्रद्धालु खड़े थे उनके साथ घटना को अंजाम मिला है। इस घटना के दौरान 15 श्रद्धालु घायल हो गए थे। वहीं बस में करीब 10 से 15 सवारी और बैठी थी, जिनके हालात ठीक नहीं है। इसी दौरान राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी को अस्पताल में भिजवा दिया गया है और श्रद्धालुओं के रिपोर्ट के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर